जर्नी को बहुत जो स्ट्रगल के साथ सब कुछ था मेरी जर्नी में, मतलब मैंने काफ़ी स्ट्रगल भी किया था। जर्नी शुरू हुई थी तकरीबन जब मैं 6 साल का था। मैं आई वॉज नेवर इंटरेस्टेड इन यू नो ऑल दीज टॉयज एंड ऑल, जो आज बच्चे जब आप देखते हो कि वो जी आई जो हो जाए कुछ ना कुछ खरीदते रहते हैं। मैं हर बार कोई भी शॉप पे जाके इंस्ट्रूमेंट या वो कीबोर्ड हो या ड्रम हो, तो तब से मुझे बचपन से यू नो म्यूज़िक का ही शौक हुआ करता था। और फिर जब मैं आई थिंक आई वॉज इन 10th स्टैंडर्ड, तब मैंने डीजे मिक्सिंग का एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया था और उसके बाद मिक्सिंग शुरू की और अब तक चल रही है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अच्छी खासी। फील तो बहुत अच्छा करता है बिकॉज आई यू नो टू बी द फर्स्ट इंडियन टू मेक इट टू द टॉप 100, इट्स अ गुड फीलिंग, बहुत अच्छा लगता है। बट वो नंबर मैटर नहीं करता है, जैसे मैं सब में हर एक इंसान को देता हूँ, वो नंबर मैटर नहीं करता है, बट एक इंडियन डीजे वहाँ टॉप 100 में आना वो मैटर करता है। बिकॉज यू नो मेरा ड्रीम है कि आज इंडियन म्यूज़िक ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस हो। आज हम सिर्फ बॉलीवुड की बात करते हैं बट बॉलीवुड के साथ साथ जो हमारी जो मेलोडीज़ होती है जो इंडियन मेलोडीज़, वो मेरे को इंटरनेशनल लेके जानी, ये मेरा एक सपना है। तो ये सब मेरे सपने का ये फर्स्ट स्टेज है। बॉलीवुड से तो आई वॉज रियली हैप्पी टू सी के काफ़ी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ ने यू नो ट्वीट किया उसके बारे में, इंस्टाग्राम पे डाला, एंड दे आर रियली हैप्पी बिकॉज दे फील दैट दिस इज लाइक समथिंग बिग, एंड ये शुरुआत है इंडियन म्यूजिक को इंटरनेशनल लेके जाने की। आयुष्मान खुराना, सुशांत सिंह, नील नितिन मुकेश, जय भानुशाली और बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने इसके बारे में जिक्र किया है ट्विटर पर। सलमान भाई ने अभी मैं ऑन क्या बताऊँ, ही इज़ वेरी हैप्पी कि मैं टॉप 100 में आया हूँ और अब आई थिंक इट्स ऑन द 2nd of November जो हमारे किंग खान हैं शाहरुख जी, देयर इज़ अ सरप्राइज दैट्स प्लान फॉर हिम ऑल्सो, आई एम डूइंग समथिंग फॉर हिम ऑन द 2nd of November, सो लेट्स होप सब सही जाए। वो बहुत खुश है ये जान के कि एक इंडियन डीजे आज टॉप 100 में आया है, तो वो जान के मुझे बहुत जान के बहुत खुशी होने। इंडियन म्यूज़िक को मैं जैसे आज जो आज हम यूथ देखते हैं जो वो सिर्फ EDM फॉलो करता है, और यू नो जितने भी आप बच्चे देखोगे उनको बॉलीवुड से थोड़ा नफरत नहीं करूँगा बट वो ज़्यादा प्यार आज EDM को करते हैं। तो यू नो मैं जैसे फेस्टिवल्स होते हैं टुमारोलैंड, सनबर्न वगैरह, वहाँ पर बॉलीवुड म्यूज़िक बजेगा एक दिन, ये मेरा एक सपना है। मैंने शुरुआत की थी सलमान खान मैशअप से, फिर मैंने कॉकटेल, ये जवानी, हम्प्टी शर्मा और काफ़ी बड़ी मूवीज़ के मैशअप किए थे, और अब जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है वो है दिलवाले, वो 3 दिन पहले ही मैंने साइन किया हुआ है। शाहरुख जी की जो मूवी आ रही है तो उसका मैशअप मैं कर रहा हूँ। सच कहूँ तो शुरुआत में मैंने बहुत स्ट्रगल किया था, हर एक म्यूज़िक लेबल की ऑफिस के बाहर बैठता था, बट जो मोमेंट जो कहते हैं ना हर एक की ज़िंदगी में आता है जो लाइफ बदल लेता है, तो वो मोमेंट थी जब टी सीरीज़ की ऑफिस में था मैं और मैंने उनको ये आइडिया दिया कि यू नो लेट्स डू समथिंग कॉल्ड मैशअप, जहाँ पे हम 3 मिनट में लोगों को 25 से 30 गाने एक साथ दे दें। तो भूषण जी को बहुत अच्छा लगा था वो आइडिया, और वहाँ से मैंने मैशअप की एक शुरुआत की और वो आज एक ट्रेंड बन गया है। सो दैट इज़ द मोमेंट दैट चेंज माई लाइफ। सर ये आइडिया आया था एक्चुअली एक इंटरनेशनल डीजे है, डीजे यवम करके, वो मैशअप्स बनाते हैं, मतलब जितने भी हॉलीवुड नंबर्स होते हैं जो आप सुनते हो तो उनके मैशअप, वो हर साल एक मैशअप बनाते हैं हर साल, तो वहाँ से मुझे आइडिया अगर वो कर सकते हो हम क्यों नहीं कर सकते। अपने फील्ड से रिलेटेड लोगों को, तो आप अगर डीजे हैं तो आप अपने
मैं अगर आप इंटरनेशनल डीजेस कहो तो मैं डेविड गुएटा को मानता हूँ, बिकॉज जो रास्ता उन्होंने चुना था वही रास्ता मैं चुन रहा हूँ यहाँ आज। और अगर इंडियन डीजेस की बात करो तो डीजे अकील वो गुरु मानता हूँ, बिकॉज आज उनको देख के बहुत कुछ सीखा हो। मैशअप तो सिर्फ एक बिकॉज मैं सबको यही कहता हूँ कि इंडिया में डीजेस की वैल्यू नहीं है, तो ये मैशअप मैंने इसलिए किया था, एक तो कुछ अलग था और उससे रिकग्निशन मिली, और अब रिकग्निशन जब मिल गई है तो यू नो आई नो दैट मैं म्यूजिक डायरेक्शन में मैंने काफ़ी गाने बना चुका हूँ मैं, और मैंने इंडस्ट्री में काफ़ी लोगों को भी सुनाया है, और उसमें से अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 गाने ऑलरेडी अप्रूव्ड है। मैं नाम नहीं ले सकता हूँ बट काफ़ी बड़ी मूवीज है, सो आप इन अनदर 6 to 8 मंथ्स जो गाने आई थिंक आप सुन पाओगे। सर बॉलीवुड से तो बहुत ज़्यादा अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, बिकॉज हर एक इंसान वो सिंगर हो एक्टर हो कहीं मतलब डिस्करेज नहीं करता है, सिर्फ इनकरेज करता है, तो बॉलीवुड का सपोर्ट तो मुझे रहा ही और मुझे पता है आगे जाके भी रहेगा ही। आपको ऐसा नहीं लगता कि इतने सारे इंस्ट्रूमेंट आ जाने के बाद जो सारी चीज़ कंप्यूटराइज बेस्ड हो गया है, जो लाइव म्यूजिक प्ले होते हैं वो कहीं ना कहीं बंद होता जा रहा है, लाइव म्यूजिक सर वो लाइव चेंज होते जा रहा है डेफिनेटली, बट अगर आप मुझे पूछो तो मुझे वो लाइव ज़्यादा पसंद है। जैसे कोई सिम्फनी आप जब सुनते हो कोई कॉन्सर्ट तो उसका मज़ा अलग है, वो कंप्यूटर मैच नहीं कर पाता। मैं ऑलरेडी करता हूँ, अगर आप कभी मेरे शो पे आओगे तो मेरे साथ इंडिया के नंबर वन जो वायलिनिस्ट है वो मेरे साथ बजाते हैं, तो वो लाइव का एलिमेंट तो है ही मेरे साथ, प्रोफेशनिस्ट सैक्सोफोनिस्ट ये सब मेरे साथ ही परफॉर्म करते हैं। शाहरुख सर की 50th बर्थडे है और उस बर्थडे के लिए मैं उनके लिए प्ले कर रहा हूँ। अब मैं वहाँ क्या क्या करने वाला हूँ वो सरप्राइज है, बिकॉज मैंने किसी को नहीं बताया वो, बट कुछ अच्छा ही कर रहा हूँ। बॉलीवुड मैं काफ़ी इंटरनेशनल डीजे से कोलैबोरेशन कर रहा हूँ, और अब बेसिकली मेरा ये मानना है कि जो इंडियन म्यूजिक है वो उनकी मेलोडीज आई थिंक इट्स मच बेटर देन द इंटरनेशनल मेलोडीज आई वी नो वी लिसन टू। तो जैसे एक आप कर्ज की मेलेडी ले लो तो वो इतनी प्यारी मेलेडी है जो कर्ज की जो ट्यून है, तो वो अगर EDM स्टाइल में बनाई जाए और यू नो इंटरनेशनली रिलीज़ की जाए तो वो बहुत ज़्यादा चलेगी, ये मेरा मानना है। बस सपोर्ट करते जाइए इंडियन डीजेस को, मुझे नहीं हर एक इंडियन डीजे को सपोर्ट कीजिए जो आपको अच्छा लगता है, एंड लेट्स यू नो टेक इंडियन म्यूजिक इंटरनेशनल। और एक और चीज़ है जो मैं कहना चाहता हूँ कि आई एम डूइंग अ फ्री शो, मैं एक फ्री शो कर रहा हूँ मेरे फैंस के लिए जो उन्होंने मुझे वोट किया था, बॉम्बे में कर रहा हूँ टू ऑल द कॉलेज स्टूडेंट्स। आप सिर्फ अपना ID दिखा के 9th December को थोड़ा के मेरे पे ये इवेंट है, और इट्स गोइंग टू बी एज बिग एज द बिग कॉन्सर्ट्स दैट यू सी लाइक सनबर्न और सुपरसोनिक।